बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। मुथूट फाइनेंस कर्मी लूटकांड का खुलासा, पुलिस की एसआईटी ने तीन बदमाशों को दबोचा। समस्तीपुर की पूसा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोरसन काली मंदिर चौक के समीप मुथूट फाइनेंस कर्मी के साथ लूटकांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त तीन अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पूसा थाना क्षेत्र के मोरसन डीह निवासी शिव कुमार भंडारी के पुत्र दीपक कुमार, स्वर अशोक मालाकार के पुत्र सिंटू कुमार एवं करपुरी ग्राम थाना क्षेत्र के पुनास निवासी राजेश सिंह के पुत्र अमन कुमार के रूप में की गई है। अमन कुमार वर्ष 2022 में भी हत्या के एक मामले में मुफस्सिल थाना से पकड़ाकर जेल जा चुका है। मंगलवार को प्रेसवार्ता में एएसपी सह सदर डीएसपी संजय कुमार पांडेय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से लूटी गई एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ कंपनी एवं कर्मी के कागजात व घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल भी बरामद किया है। एएसपी श्री पांडेय ने घटना को लेकर बताया कि 9 जनवरी 2024 को पूसा थाना क्षेत्र के मोरसन काली मंदिर चौक के समीप इन बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से उसकी बाइक छीनकर लूटपाट की थी। बदमाशों ने उससे 82,260 रुपये व कागजात आदि लूट लिया था। घटना को उस समय अंजाम दिया गया था जब वह मोरसन गांव से समूह का पैसा कलेक्शन कर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें पूसा थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर चंद्रकांत गौड़ी, पुअनी उमेश कुमार मंडल, परिपुअनी श्रेया कुमारी, प्रियरंजन कुमार, सनी गोरख सिंह एवं तकनीकी शाखा के सिपाही अरविंद कुमार एवं केशव कुमार को शामिल किया गया था। एसआईटी ने तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर कांड में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। बदमाशों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि उन्हें मोरसन गांव में मुथूट फाइनेंस कर्मी के द्वारा प्रत्येक दिन विभिन्न समूह से करीब 1,00,000 रुपये कलेक्शन कर शाम में मोटरसाइकिल से जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीनों ने मिलकर उसे लूटने की योजना बनाई। पहले उन्होंने 2 से 3 दिन तक उक्त फाइनेंस कर्मी का रेकी किया, उसके बाद 9 जनवरी को घटना को अंजाम दिया। पूसा थाना अंतर्गत दिनांक 9/1/24 को एक मुथूट फाइनेंस कंपनी की कर्मी जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको उनके साथ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूटपाट की गई थी और लूटपाट के दौरान उनका मोटरसाइकिल, करीब 83,000 रुपये, कुछ कागजात, बर्बादी का पर्स वगैरह था जिसको लूट लिया गया था। थानाध्यक्ष पूसा गौरीकांत के नेतृत्व में तत्काल उसी दिन से इस कांड का उद्भेदन के लिए टीम लगाई गई थी और उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। उस प्रयास का परिणाम है कि आज उस कांड का सफल उद्भेदन हुआ और लूटी गई मोटरसाइकिल, जो कागजात लूटे गए थे और इसके अलावा वादी का आधार कार्ड वगैरह जो कागजात था वो सभी बरामद किए गए हैं और इसमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दीपक कुमार, सिंटू कुमार और अमन कुमार हैं। इन्होंने अपराध में अपनी अपराधिता भी स्वीकार की है और इनके द्वारा बताए गए अन्य साथियों की तलाश के लिए छापामारी किया जा रहा है। इस प्रकार इनके जो गौरीकांत के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, उस टीम के सदस्य उमेश कुमार मंडल, पुअनी उमेश कुमार मंडल हैं, परिपुअनी जो है श्रेया कुमारी हैं, परिपुअनी प्रियंजन कुमार हैं, सनी गोरख सिंह वगैरह लगातार इस कांड का उद्भेदन किए हैं और इस प्रकार उस क्षेत्र में जो अनुद्भेदित कांड था और जो घटनाएँ घटित थी उसका सफल उद्भेदन पुलिस निरीक्षक गौरीकांत के थानाध्यक्ष पूसा के द्वारा किया गया है, जो एक सराहनीय प्रयास है और सार्थक प्रयास है। अपराधी के इतिहास भी है उसका, और क्या तो बरामद हुआ है? उसमें से जो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका अपराध का एक का अपराध का इतिहास है और वो जेल भी जा चुके हैं। जेल से आने के बाद ही ये घटना करी। धन्यवाद।